साल 2024 में मध्य प्रदेश में मई जून में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद बारिश भी जमकर हो रही है। कई इलाकों में बारिश का कहर भी देखा गया है। वहीं अब ठंड के मौसम को लेकर कहा जा रहा है इस बार ठंड जल्दी दस्तक दे सकती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना निःशुल्क प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से संचालित 100% नौकरी में सहायता 300 सीट सीमित। आमतौर पर ठंड 25 अक्टूबर के बाद से शुरू होती है, लेकिन इस बार हवा का रुख बदलने के आसार नजर आने लगे हैं। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले कुवार में इस बार चिलचिलाती धूप भी ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगी और इसकी वजह लगातार बारिश को बताया जा रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से एक और मानसूनी सिस्टम के उठने की संभावना है। इसका असर सितंबर के आखिरी तक रह सकता है। इसके कारण लगातार ठंडक रह सकती है, साथ ही रात के तापमान में गिरावट अक्टूबर से शुरू होने का अनुमान है। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में तापमान 16 से 17 डिग्री पहुंच सकता है। नवंबर से मध्य प्रदेश में अच्छी ठंडक शुरू हो जाने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के तय मापदंडों में सर्दी का मौसम सिर्फ 2 महीने जनवरी और फरवरी में ही माना गया है, लेकिन आमजन के लिहाज से ठंड का मौसम 4 महीने नवंबर से फरवरी तक माना जाता है। मौसम विभाग द्वारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 3 महीनों को पोस्ट मॉनसून सीजन में गिना जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण बीपीएल युवक युवतियों का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण हॉस्टल सुविधा कोर्सेज निःशुल्क प्रशिक्षण मध्य प्रदेश शासन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से संचालित 100% नौकरी में सहायता फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरीफेरल वायरिंग हार्नेस असेंबली ऑपरेटर आयु 18 से 30 वर्ष प्रशिक्षण अवधि 6 माह छात्रवृत्ति की सुविधा न्यूनतम योग्यता 8वीं पास 300 सीट सीमित। सागर दमोह एवं छतरपुर जिले का ग्रामीण क्षेत्रीय बीपीएल कार्ड धारी होना आवश्यक है। अधिक जानकारी और आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें जैन कंप्यूटर एकेडमी बंडा जिला सागर।